वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आ जाओ जल्दी फटाफट फटाफट। चलो आ गए क्या सब? चलो बढ़िया, फटाफट अटेंडेंस लगाओ, लाइक करो ताकि हम आगे बढ़ सके। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? स्क्रीन क्लियर है? मैं भी दिख रहा हूँ सबको? बोलो जल्दी तो हम हमारे सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले मुझे बताओ कल का होमवर्क किसने किया है? कल का होमवर्क किसने किया बोलो मुझे जल्दी। माधव, कितने मार्क्स की थ्योरी पूछते हो? इसका मतलब है आपने रेगुलरली स्टार्टिंग से लेक्चर अटेंड नहीं किए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, बहुत ही स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स में आपकी कम से कम 16 से 18 मार्क्स की थ्योरी आती है बेटे, 16 to 18 मार्क्स की थ्योरी आती है। चल होमवर्क डन है सबके? सबके डन है। राम राम सर, मैंने कर लिया सर, मैंने किया सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, बाकी ने होमवर्क किया नहीं क्या? बाकियों को होमवर्क कहाँ है? देखो होमवर्क अगर आप रेगुलरली नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटे। बस फिर समझ सब आ जाता है तो वही हमको अपनी भाषा में ही लिखना है, वही पहले सेम नहीं बदला। वेरी गुड संस्कार। चलो लिंक शेयर करनी है जहाँ जहाँ आपने कर दी क्या? और जैसे हमको भी पता चला है अपनी एग्जाम्स मोस्ट प्रोबेबली होने वाली कब है? दिसंबर में होने वाली है। कब होने वाली है? दिसंबर में होने वाली है एग्जाम।
तो दिसंबर में अगर एग्ज़ाम हो रही है तो ध्यान से समझो, दिसंबर में एग्ज़ाम हो रही है तो सर हमारे पास अब तो जुलाई के 10 दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 महीने हमारे हाथ में है। तो इतने पार्ट में सिलेबस हो सकता है कि सर? बेटे सिर्फ सिलेबस नहीं तो कम से कम 2 बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, यानी कि 3 बार कम से कम आपका सिलेबस होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, और आखिरी लास्ट एक रिवीजन होना चाहिए। मतलब ऐसे मान के चलो कि आपका कम से कम 4 बार रिवीजन होना चाहिए। कितनी बार होना चाहिए? 4 बार होना चाहिए। हो सकता है कि सर इजीली हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं। यस, 2 3 में, 2 3 2 का तो कल बताया था ना मैंने, सेकंड इलस्ट्रेशन का मैंने बताया था आपको, बेसिक प्रॉब्लम टू साइडेड एरर, इलू टू का मैंने आपको बताया था, बेसिक प्रॉब्लम टू साइडेड एरर, बेसिक प्रॉब्लम टू साइडेड एरर बताया था मैंने कल आपको, इलू टू का चैप्टर इंडेक्स में। इलू थ्री की हम बात करेंगे, इलू थ्री भी पूरा हुआ क्या था? हाँ हुआ था। हुआ था तो इसको आप क्या करो, इलू थ्री को चैप्टर इंडेक्स में लिखो। बेसिक प्रॉब्लम, अगेन बेसिक प्रॉब्लम, रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस लिखा सबने? आ जाओ इलस्ट्रेशन 4 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 4 पे आते हैं, आ जाओ लेट्स सी। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। दो केसेस दिए उन्होंने, पहला विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस। क्लियर? बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट का बात तो देखो, जब सस्पेंस अकाउंट के बारे में लिखवाया था मैंने आपको, मैंने क्या कहा था आपसे कि सस्पेंस अकाउंट कब आएगा? सस्पेंस अकाउंट आता है जब जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता नहीं है। तो इसका मतलब वो यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, यूज सस्पेंस अकाउंट तो तब तक आएगा नहीं जब तक आप ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे। तो सस्पेंस अकाउंट आ रहा है इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस। तो ये सबको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में पहले आ चुका है ऐसा प्रॉब्लम, एग्जाम में आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इलू फोर को। ठीक है, इलू फोर को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आज की अटेंड कर लो, कोई बात नहीं, फिर आज का लेक्चर होने के बाद फिर आप कल जो आपका लेक्चर मिस हुआ है वो बाद में आप देख सकते हो, अमूल अनमोल। क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलो लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन, आ जाओ। द सेल्स बुक हैज़ बीन टोटल 100 शॉट। अब देखो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, आप क्या करो, दो पेज, दो पेज, फर्स्ट पेज आप लिखेंगे इल्लू, आपने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन इलू फोर, केस वन, विदाउट सस्पेंस अकाउंट, दूसरे पेज पे जाओ, सेकंड पेज पे लिखो केस टू, यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। ऐसे दो बना लो आप, केस वन विदाउट सस्पेंस अकाउंट, केस टू यूजिंग सस्पेंस अकाउंट।
डन, विदाउट होना सर, विदाउट होना सर, विदाउट ही तो। ओ स्पेलिंग, अरे यार तुम अभी स्पेलिंग पे ध्यान मत दो मेरे। चल, यहाँ पर एक जर्नल का फॉर्मेट फर्स्ट पेज पर सेकंड पेज पे, दोनों पेज पे जर्नल का फॉर्मेट बना लो। दोनों पेज पे जर्नल का फॉर्मेट बनेगा। आ जाओ, लेट अस सी। द सेल बुक हैज बिन टोटल 100 शॉट। सेल बुक हैज बिन टोटल 100 शॉट। चलो पहले मुझे बताओ फॉर्मेट रेडी है क्या दोनों पेज पे, तो हम सब स्टार्ट करते हैं। शुक्ला जी, ये पहला ही चैप्टर है, अगर मेन सिलेबस की बात करेंगे तो पहला ही चैप्टर, चिंता मत करो। फॉर्मेट रेडी है क्या, बोलो फटाफट जल्दी सब। ओके ओके, चल लेट अस बिगिन। सेल्स शॉर्ट बोल रहा है बाय 100, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रेडिट सेल अकाउंट बाय रुपीज 100, इसमें लिखा हमने क्रेडिट सेल अकाउंट बाय रुपीज 100, क्रेडिट सेल अकाउंट बाय रुपीज 100। अब केस टू में आएंगे। देखो सेल को हमें क्रेडिट करना है, तो क्या हुआ, क्रेडिट सेल पे क्रेडिट कम पड़ा है, बराबर है। तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगा, जब ट्रायल बैलेंस बनेगा, ध्यान से सुनो कैसे होता है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैं एंट्री क्या करूँगा, ध्यान से सुनो, मैं एंट्री करूँगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना 100, 100 बींग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर, बींग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर सेल्स बुक कास्ट शॉर्ट बाय 100, बींग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर। यस, दोनों जर्नल में लिखना है बेटे। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हमने किया था ना, ये वैसे आएगा। सेकंड रजिस्ट्रेशन हमने किया था ना, ये वैसे आएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल, बीइंग रेक्टिफिकेशन एरर, बीइंग रेक्टिफिकेशन फॉर, बीइंग रेक्टिफिकेशन फॉर सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय रुपीज 100, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय रुपीज 100। बोलो क्लियर? अब देखो ध्यान से क्या हुआ है, जब आपका सेल बुक शॉर्ट बाय 100, जो ये सिनारियो था, तब जब आपका ट्रायल बैलेंस बना, यहां पे मैं बोलता हूं बिफोर रेक्टिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस बनाया आपका, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, ठीक, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे जब 100 से शॉर्ट था, तो मान के चलो एग्जाम्पल के लिए मैं डेबिट का टोटल ले लेता हूँ 1000, तो क्रेडिट का टोटल आएगा 900, क्योंकि इट इज शॉर्ट बाय 100। सेल्स इज शॉर्ट बाय 100 मतलब क्रेडिट 100 से कम हुआ। फिर आपने इसको टैली करने के लिए क्या किया, वन थाउजेंड वन थाउजेंड, बराबर। सस्पेंस अकाउंट को आपने टैली करने के लिए, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल किया, 100, बराबर है। अब देखो अगर आप देखेंगे तो ये सस्पेंस अकाउंट में, ये सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब जब आपने इसको रेक्टिफाई किया,
ये ट्रायल बेंच लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तब ये टोटल था 1000, क्रेडिट का टोटल था 900। अब आपने क्या कर दिया, सेल बढ़ा दिया 100 रुपये से, तो सस्पेंस की जगह ले ली सेल ने 100, और ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस टैली 1000। सर सस्पेंस अकाउंट कहाँ गया सर? ये देखो सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस था, यहाँ पर जब आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री की तो सस्पेंस को डेबिट कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट निल हो गया, सस्पेंस अकाउंट चला गया, एरर रेक्टिफाई हो गया। बोलो समझ में आया? अंडर वैल्यूड सेल अंडर वैल्यू नहीं होता बेटे, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड कभी भी कोई एसेट हो सकता है, लाइबिलिटी हो सकती है। एक्सपेंस इनकम या तो इट इज रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा ओवर कास्टेड और अंडर कास्टेड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? वेरी गुड, सब बोलो एक बार, सब बोलो यस सर, सब बोलेंगे यस सर। सोवन ऐसे ही मान के चलो, बट उतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सीधा शॉर्टकट है अपने पास। ठीक है आ जाओ, पहला वाला डन, दूसरा वाला। गुड्स वर्थ 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनी वेयर। गुड्स वर्थ रिटर्न बाई ग्रीन एंड कंपनी, मतलब उन्होंने हमको रिटर्न किया है, तो मतलब सर सेल रिटर्न होगा, तो सेल रिटर्न की एंट्री होती है। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। वन फिफ्टी, वन फिफ्टी देखो, वन फिफ्टी, वन फिफ्टी, ये प्रॉपर जर्नल की तरह लिखना है आपको, जर्नल वाले कॉलम में। जैसे अगर आपने ये जर्नल का फॉर्मेट बनाया होगा तो ये डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में आएगा, यहाँ पर अमाउंट नहीं आएगा, याद रखना है हमें। कंप्लीट ओमिशन, वेरी गुड मौर्या, कंप्लीट ओमिशन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, बींग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर, बींग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर, बींग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, बींग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न बाय, गुड्स रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। आ जाओ यहां पर सेम एंट्री आएगी, अगेन बींग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर। देखो अगर आप समझेंगे तो टू साइडेड एरर अगर होता है, कंप्लीट ओमिशन टू साइडेड एरर है, तो कंप्लीट ओमिशन अगर होता है या टू साइडेड एरर होता है, तो वो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, तो सस्पेंस अकाउंट आएगा ही नहीं।
दूसरा, दोनों मेथड हो एंट्री सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। दोनों मेथड में एंट्री सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छा नेक्स्ट, गुड्स परचेज 250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। गुड्स हमने परचेज किए 250 के, बराबर है? देखो ध्यान से, वर्किंग नोट रफ में बना रहा हूँ मैं। फर्स्ट पेज मेरे ख्याल से आपका जो फर्स्ट पेज है उसका आधा ही यूटिलाइज होगा, या तो फिर आप थर्ड पेज पे भी वर्किंग नोट बना सकते हो। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, है ना? तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं, इसमें बड़ा सिंपल है ये। गुड्स परचेज 250 फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी, तो गुड्स परचेज किए, तो देखो परचेज टू गुप्ता, परचेज टू गुप्ता, 250, 250। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी इन्होंने, डेबिट टू द सप्लायर गुप्ता, मतलब परचेज को तो डेबिट किया ही है आपने और गुप्ता को भी डेबिट कर दिया आपने। रिवर्स करेंगे तो टू परचेस हो जाएगा और टू गुप्ता हो जाएगा। तो देखो क्या बच गया, परचेस डेबिट, परचेस क्रेडिट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है गुप्ता क्रेडिट, यहाँ पे भी गुप्ता क्रेडिट, तो यहाँ पर एंट्री आएगी आपकी टू गुप्ता 250, सॉरी 500। तो गुप्ता 500, वेरी गुड ऋषि श्रीवास्तव। आगे बढ़े, आगे बढ़े यहां से। तो मेन सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, आ जाओ। यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिट गुप्ता अकाउंट बाय रुपीज 500। डन? बोलो डन। क्या हुआ क्या यहां तक? यहां पर आ जाओ, यहां पर सेम फिर से आऊंगा, यहां पे लिखूंगा गुप्ता को क्रेडिट करना है तो डेबिट किसको करूंगा, सस्पेंस को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता 500, 500। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? देखो फिर से एक बार, बम्बानी, परचेज डेबिट टू गुप्ता होना चाहिए, बट हमने परचेज को भी डेबिट कर दिया, गुप्ता को भी डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करेंगे, दोनों को क्रेडिट कर देंगे, पलटी मार के उल्टा, बराबर है? पलटी मार के उल्टा। फिर परचेज डेबिट और परचेज क्रेडिट कट हो गए, क्या बच गया, यहाँ पर भी गुप्ता क्रेडिट 250, यहाँ पर भी गुप्ता क्रेडिट 250, दोनों का क्रेडिट 500 रुपये बच गया। तो हमें गुप्ता को क्रेडिट करना है 500 से। बम्बानी समझ में आया क्या? बम्बानी बड़ा समझ में आया क्या? क्लियर सस्पेंस राइट ऑफ नहीं होता बेटे सोहन, सस्पेंस राइट ऑफ नहीं होता है, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है और सस्पेंस अकाउंट बाद में रेक्टिफिकेशन पे नलीफाई होता है, राइट ऑफ करना एक अलग बात होती है बेटे। क्लियर? आ जाओ। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 एंटर्ड इन परचेज डे बुक। आ जाओ, पुराना तरीका अपना फिर से। एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू गुलाब, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर टू गुलाब 1000, 1000, बट रॉन्ग एंट्री क्या हुई, और परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया सर, तो परचेज
गुलाब 1000, 1000 रिवर्स कर दे सर, पलटी मार के उल्टा, गुलाब 1000 टू परचेस 1000, बराबर। तो यहाँ पर देखो गुलाब का क्रेडिट, गुलाब का डेबिट क्या बच गया, फर्नीचर टू परचेस 1000, 1000। क्रिएट और नलीफाई की एंट्री आएगी नहीं ना बेटे, ट्रायल बैलेंस में बैलेंसिंग फिगर लिख रहे हो आप, उसकी जनरल एंट्री नहीं आती कोई। सस्पेंस एक बैलेंसिंग फिगर है ट्रायल बैलेंस का, तो जब आप रेक्टिफाई करते हो तभी सस्पेंस आपका नलीफाई हो जाता है, जब आप रेक्टिफाई करते हो तब तो आपका सस्पेंस नलीफाई हो जाता है। बोलो यहां तक डन क्या? डन। मेन सॉल्यूशन में लिख लो ये दोनों, ये एंट्री दोनों सॉल्यूशन में लिख लो, फर्नीचर टू परचेस बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर सही बात है मौर्य, लेजर अकाउंट के बैलेंस की पोस्टिंग होती है ट्रायल बैलेंस में, सही बात है। डन, बोलो यहां तक डन। चल आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो देखो सीधी एंट्री आएगी इसकी। क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड बाय ₹15, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड बाय ₹15, और यहां पर एंट्री क्या आ जाएगी, डिस्काउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बोलो डन। एवरीबडी डन टिल हियर, चलो नेक्स्ट। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी 18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड, जी मोहन से हमको क्या मिला, डिस्काउंट मिला, बट जी मोहन में एंट्री सही गई है क्या? हाँ सर सही गई है, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई अपनी, इस वाले में हमने डिस्काउंट कॉलम में ही रिकॉर्ड नहीं किया था ना रेड एंड ब्लैक का, तो यहाँ पर एक्चुअली ये एंट्री कट कर देना, ये एंट्री कट कर दो, इसको करो आप ये रेड एंड ब्लैक,
अकाउंट डेबिट 15। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, एक्चुअली डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड सस्पेंस को कट करो, यहाँ पे करो रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, क्लियर यहाँ तक? क्योंकि वो डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम, तो डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएगा ही नहीं ना। डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएगा ही नहीं। यहाँ पे अगर हम समझेंगे तो इन्होंने क्लियरली बोला कि डिस्काउंट कॉलम में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ बट उसके इंडिविजुअल अकाउंट में बराबर से रिकॉर्ड हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर जो मैंने पहले तर्क लगाया था वो यहाँ पर सही बैठेगा। डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बाय फीस 18, ये सही है। बोलो क्लियर यहां तक सबको? और यहां पर एंट्री क्या आएगी सर? फिर डिस्काउंट को डेबिट करना है तो क्रेडिट किसको करेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 18 एंड 18। बोलो क्लियर यहां तक? चलो एवरीबॉडी डन, बोले वाला प्रॉब्लम क्लियर है सबको? आगे बढ़ा अगले प्रॉब्लम पे। आगे बढ़े अगले प्रॉब्लम पे। बोलो ना, ठोक लो जल्दी। अरे डिस्काउंट अलाउड है ना रे बेटे? अरे देखो देखो, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री का पार्ट अपना। गुड्स परचेज 250, खत्म। किससे परचेज किया था? गुप्ता से। तो गुड्स परचेज की एंट्री क्या है? परचेज टू गुप्ता, परचेज टू गुप्ता। तो हमने एंट्री क्या कर दी थी? देखो हमने एंट्री क्या कर दी, फिर परचेज टू गुप्ता, बराबर। ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, आपने गुप्ता को डेबिट कर दिया तो इसीलिए मैंने परचेज को तो डेबिट किया क्योंकि उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है। फिर हम क्या करेंगे, गुप्ता को भी डेबिट कर देंगे, दोनों डेबिट हुए। यहाँ पे समझ में आ रहा है? फिर जब हमने इसको रिवर्स किया तो ये हो गया टू परचेज और ये हो गया टू गुप्ता। और जब हम देखेंगे ये परचेज डेबिट, ये परचेज क्रेडिट गया, गुप्ता क्रेडिट, गुप्ता क्रेडिट बच गया, तो दोनों मिलाकर क्रेडिट 500 का। सोहन समझ में आया क्या बेटे? सोहन समझ में आ गया क्या बेटे? ठीक है डन, आ जाओ। अब देखो ध्यान से, आपको एक सस्पेंस अकाउंट बनाना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है छोटा सा। देखो इतना सा है, 4 से 5 लाइन का सस्पेंस अकाउंट काफ़ी हो जाएगा, 4 से 5 लाइन का सस्पेंस अकाउंट काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट बनाओ। ये जनरल के बाजू में बनाता हूँ मैं सस्पेंस अकाउंट। जहाँ पे आपने सेकंड केस लिखा है उसके नीचे बनाना है आपको,
गुप्ता कैसे कटेगा बेटे, दोनों क्रेडिट है ना, ये भी तो क्रेडिट है बेटे, ये भी टू गुप्ता है, ये भी टू गुप्ता है, ये कैसे कटेगा, ये परचेज डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये कटेगा ना। समझा क्या जादव, केस वन देख लो। डी वाले क्वेश्चन की एंट्री ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट क्या होगी, क्या मोरे समझा नहीं बेटा आपका क्वेश्चन मुझे। चलो आ जाओ, डी वाले क्वेश्चन के सस्पेंस अकाउंट का क्या संबंध बेटे, डी वाला जो एरर है वो टू साइडेड एरर है, उसमें तो सस्पेंस अकाउंट आएगा ही नहीं। आ जाओ देखो, सबसे पहले पहली एंट्री आप देखते हो सस्पेंस टू सेल्स। देखो सस्पेंस अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ना है हमें, हाँ क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं है कहीं पर कुछ भी। अच्छा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 100, ठीक है। अगला रिटर्न इन टू ग्रीन, इसमें सस्पेंस नहीं है, ये रहा सस्पेंस टू गुप्ता 500। टू गुप्ता एंड कंपनी 500, वेरी गुड सुवन, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। गुप्ता एंड कंपनी 500, ये नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 18, बाय डिस्काउंट अलाउड 18। तो बोलो 600 माइनस 18 बैलेंसिंग फिगर कितना आता है आपका, 582 आता है बराबर। बट ध्यान से सुनो, यहां पर बैलेंसिंग फिगर जब मैं लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, या तो फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन, फाइव हंड्रेड एट्टी टू, इसको एस्ट्रिक मार्क दे दो। बोलो डन, क्लियर यहां तक सबको, क्योंकि हमें उन्होंने सस्पेंस का बैलेंस नहीं दिया था, हमने सस्पेंस का बैलेंस पता किया है। समझ में आया, ट्रायल बैलेंस बना था तो उसमें डिफरेंस तो आया ही होगा सस्पेंस का, क्या था डिफरेंस, ये था डिफरेंस, खत्म। बोलो क्लियर यहां तक, क्लियर यहां तक, ये कहां पे जाएगा, नहीं बेटे ये एक्चुअली ये जो बैलेंस है ये ट्रायल बैलेंस से आया बैलेंस है, ये केम फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, इट हैज कम फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ये कहीं जाएगा नहीं, वो वहां से आया हुआ बैलेंस है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने एक एग्जाम्पल किया था बिफोर और आफ्टर वाला, ये एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको बिफोर और आफ्टर वाला, ठीक है। तो जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, यहाँ पर ध्यान से 2 मिनट सब सुनना, जब हमने ये ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमने देखा कि ये सस्पेंस अकाउंट है भाई साहब, तो सस्पेंस बैलेंस दिख रहा है, तो सस्पेंस में आप आएंगे यहाँ पर, आपने लिखा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में आप गए, आपने लिखा बाय डिफरेंस या तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 100,
सस्पेंस अकाउंट के वो लेजर में बैलेंस दिख रहा है आपको, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे डिफरेंस आ गया। अब उसको आपने रेक्टिफाई कर लिया, रेक्टिफाई करने के बाद यहाँ पे आपने एंट्री कर दी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल 100, और ये हो गया आपका सस्पेंस अकाउंट टैली, और सस्पेंस अकाउंट हो गया गायब, ये हुआ नील। समझ में आया? समझ में आ गया? तो जब ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो उसमें सस्पेंस अकाउंट आता है, और फिर हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। तो वो जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था वो आपके सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, और उसके बाद हमें सारी एंट्रीज रेक्टिफाई करके सस्पेंस अकाउंट को नील करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इल्लू 5 पे आ जाओ। मार्केट एज इम्पोर्टेंट, चैप्टर इंडेक्स में जाओ, चैप्टर इंडेक्स में लिखो कि इलस्ट्रेशन 4 के लिए रेक्टिफिकेशन बिफोर एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस। और लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट बैलेंस नॉट गिवन इन क्वेश्चन, लिखो। चैप्टर इंडेक्स में लिख लिया ये, आगे बढ़ो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलो करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। 493 एक्सेस क्रेडिट मतलब क्रेडिट ज्यादा है, तो ये एक्चुअली आपके सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, ये आपके सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है। बोलो क्लियर? आ जाओ, लेट अस बिगिन। सबसे पहले काम करो, आप सीधे वर्किंग नोट बनाओ। मेन एंट्रीज आप घर पे एज अ होमवर्क कर सकते हो, आ जाओ वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री, चार कॉलम बनाओ फटाफट। क्लियर एवरीवन? फॉर्मेट रेडी? चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो क्या बोलता है, एन अमाउंट ऑफ 100 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम डी दास ऑन 31 दिसंबर बट हैज बीन ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कंप्लीट ओमिशन है। हाँ सर, डी दास से पैसे आए थे, कैश डेबिट टू डी दास 100, 100 रॉन्ग एंट्री में कोई एंट्री नहीं आई तो कुछ रिवर्स भी नहीं होगा,
और रेक्टिफिकेशन एंट्री में जो है कि वो एंट्री आएगी, कैश डेबिट टू डी दास 100 100। क्लियर? वर्किंग नोट मेरे साथ बना लो, मेन आंसर आप घर पे भी लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बी, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर डिसंबर हैज बीन कास्ट 100 शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड बुक कास्ट शॉर्ट, रिटर्न इनवर्ड माने सेल्स रिटर्न माने डेबिट बैलेंस होता है, वो कम पड़ गया तो हमें और डेबिट करना पड़ेगा। तो इसकी डायरेक्ट एंट्री आप लिखो, रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस 100 100 100 ही था ना, 100। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कास्टिंग एरर है। परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 हैज बीन पास थ्रू परचेज डे बुक। सेम क्वेश्चन अगेन, ऑफिस टेबल है तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या हुई? टू कैश 300, पल्टी मार के उल्टा, कैश डेबिट 300 टू परचेस 300 है। ये गया, ये गया, एंट्री बच गई आपकी। फर्नीचर 300 टू परचेस 300, बोलो डन। बढ़िया, आ जाओ। 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। शोकेस मतलब आपका ऑफिस का फर्नीचर ही हुआ। अगेन एंट्री शुड बी फर्नीचर 375 टू कैश 375, फर्नीचर 375 टू कैश 375। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सोहन, बहुत अच्छे। इसलिए मैं सोचू आज चाय पीने में इतना मजा क्यों आ रहा था। वाह, आ जाओ। फर्नीचर टू कैश 375, इन्होंने क्या कर दिया, वेजिस 375 टू कैश 375, पल्टी मार के उल्टा,
कैश डेबिट 375 टू वेजेस 375, बराबर। तो कैश गया, कैश गया, एंट्री क्या बच गई, फर्नीचर 375 टू वेजेस 375, खत्म। अरे बाप रे, तरुण का दिन ही खराब है आज का। भाई मैं बोलूँ इतनी देर से तरुण का वो रिप्लाई क्यों नहीं है, मैसेज क्यों नहीं है? बोला तो था मैं लेट आया हूँ, मुझे लग गया, मुझे लगा कि आप सो गए फिर से लेक्चर देखते देखते। हेलो, डन। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते, नेक्स्ट। चलो चलो चलो, जल्दी खत्म करना है। परचेज ऑफ 67 हैड बीन पोस्टेड टू ट्रेड पेबल अकाउंट एज 60। परचेज 67, ट्रेड पेबल में गया 60। ध्यान से सुनो क्या होगा, गड़बड़ यहां पे, ध्यान से सुनो, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। परचेज डेबिट 67 टू ट्रेड पेबल 67, ये एंट्री होनी चाहिए थी। बट वो क्या बोला, परचेस में गड़बड़ नहीं है तो परचेस सही है, बट उसने कहा कि टू ट्रेड पेएबल 60 हो गया। तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए देखो, ट्रेड पेएबल डेबिट 60 टू परचेस 67, बराबर है। तो अब देखो यहां पे परचेस पूरा देखो, अगर आप परचेस पूरा डिडक्ट हो जाएगा, परचेस पूरा कट हो जाएगा, बट ट्रेड पेबल की बात करें तो ये 60 पूरा जाएगा, बट यहां पर सिर्फ 67 कट होके बच जाएगा 7। क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा। ये अगर मैं कट करूं यहां से और यहां से, तो हमारे आंसर में क्या आएगा, यहां पे टू ट्रेड पेबल 7, और फिर हमको डेबिट करना पड़ेगा किसको, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7 टू ट्रेड पेबल 7। अरे मिलने मत जाना ब्रेक, कुछ भी सोन भाई, तू कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये लिखा सबने, ये लिखा सबने, आगे बढ़ते आ जाओ। चेक फॉर 200 रिसीव्ड फ्रॉम पीसी जोशी हैज बीन डिसऑनर्ड पार्ट टू डेबिट ऑफ अलावेंस अकाउंट। पीसी जोशी का चेक वापस गया, पीसी जोशी डेबिट टू बैंक। टू बैंक 200, हाँ, तरुण फ्यूचर इंडिया का, सही बात है। इन्होंने क्या कर दिया, अलावेंस डेबिट 200 टू बैंक 200। पलटी मार के उल्टा, बैंक डेबिट 200 टू अलावेंस 200। तो देखो यहां पर ये गया बैंक, ये गया बैंक, क्या बच गया, पीसी जोशी टू अलावेंस, पीसी जोशी 200 टू अलावेंस 200, खत्म।
क्लियर। बहुत बढ़िया, वाह। देखो हमारे देश का भविष्य किस चीज़ की चर्चा कर रहा है सुबह सुबह उठकर, शर्म आनी चाहिए। 1,000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ फॉर मिस्टर दत्त हैज़ बीन चार्ज टू मिसेलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। ध्यान से सुनना, बहुत बार बच्चा यहाँ पे गलती करता है। बच्चा बोलता है मोटर साइकिल टू कैश, ये बहुत बार बच्चा सोचता है, बट गलत। मोटरसाइकिल नहीं आएगा बेटे, यहाँ पर ड्राइंग्स आएंगे, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स टू कैश। सर ऐसे कैसे, मोटरसाइकिल खरीदा ना सर। बात ध्यान से समझो, मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त है, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस होता तो वो आपका एसेट होता, मोटरसाइकिल आता। बट यहाँ पर क्लियरली मैंशन है मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त, मिस्टर दत्त जो ओनर है उनके लिए गाड़ी ली गई है। तो इट इज़ चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। ये समझ में आ गया सबको। ड्रॉइंग्स कितने की मोटर बाइक है भाई साहब, 1,000 रुपये की मोटर बाइक है, बाप रे, 1,000 1,000। ड्रॉइंग्स टू कैश इन्होंने कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस 1,000 टू कैश 1,000, उल्टी मार के उल्टा। बोलो, डन, एवरीबडी डन टिल हियर। ₹1,000 में बाइक मिलनी ही होती तो तुमको थोड़ी दिलाता, मैं ही नहीं ले लेता हैं, बेशर्म इंसान। गुड्स अमाउंटिंग टू 100 हैड बीन रिटर्न्ड बाय कस्टमर एंड वर टेकन इनटू इन्वेंटरी, बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वाज मेड इन द बुक्स। रिटर्न्ड बाय कस्टमर, नो एंट्री। सीधे सीधे रिटर्न इनवर्ड टू कस्टमर, खत्म, कंप्लीट ओमिशन नहीं है। 100 बस। हाँ, गांव बसा नहीं, लुटेरे आ गए, मुझे भी चाहिए, है ना। सोन का अलग ही रहता है यार। आ जाओ अब, जरा 2 मिनट ध्यान देना सब लोग, ये इंपॉर्टेंट वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान से सुनो। सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी, देखो ये करेक्ट पार्ट है, करेक्ट पार्ट है, हाँ सर, तो करेक्ट पार्ट रिकॉर्ड। सिंह एंड कंपनी टू सेल, ठीक है, 200 200, इट्स इंपॉर्टेंट, प्लीज यहां पर ध्यान दो। विष्णु कुमार बोलते हैं मुझे इग्नोर क्यों करते हो, अच्छा विष्णु कुमार कौन से चैप्टर से कितना मार्क आता है ये अभी नहीं डिस्कस होगा, जब सिलेबस खत्म होगा तब डिस्कस होगा बेटे, ठीक है, आ जाओ। वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट बट एंट्री वॉज करेक्टली मेड इन सेल्स बुक। वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, ध्यान से सुनो, यहाँ पर फिर से क्या हुआ, सेल में गड़बड़ी है क्या सर, बिल्कुल नहीं, सेल बराबर है, टू सेल 200।
वो क्या बोलते हैं, व्हाट वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। तो यहाँ पर टू सिंह एंड कंपनी हो गया 200 क्रेडिट अगेन। अगर इसको रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, सेल डेबिट सिंह डेबिट 200 200, क्लियर। और अगर हम देखेंगे सेल क्रेडिट गया, सेल डेबिट गया, क्या बच गया, सिंह का डेबिट, सिंह का डेबिट। तो मैं कहूँगा सिंह एंड कंपनी डेबिट 400 टू सस्पेंस 400, खत्म। क्लियर यहाँ तक सबको, ये वन साइडेड है, वेरी गुड। बोले यहाँ तक क्लियर है सबको, बढ़िया। चलो फिर देखो, आपको ये सस्पेंस अकाउंट बनाना, ये आपका होमवर्क है आज का, सस्पेंस अकाउंट। उन्होंने इस बारे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस का दे रखा था, तो सबसे पहले आप वो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। उसके बाद बाकी की सारी एंट्रीज होगी, जैसे ये जाएगा आपका बाय सस्पेंस, फिर आएगा आपका टू क्रेडिटर्स, फिर आएगा आपका बाय सिंह एंड कंपनी। देखो एक दो तीन एंट्रीज आ गई, सस्पेंस अकाउंट हुआ आपका टैली। एंट्री अगर डेबिट सेम होगा तो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, मतलब समझे में नहीं आता। वेरी गुड वृत्रा वृत्रा, क्लियर है बोलो सबको ये वाला क्वेश्चन भी। एवरीवन डन टिल हियर, बढ़िया। सस्पेंस अकाउंट बना लो अभी तुम फटाफट, अभी क्या अभी बना लो। तुम्हारा मेन आंसर के लिए एक पेज जगह छोड़ दो, मेन आंसर लिखने के लिए, और सस्पेंस अकाउंट बना लो अभी तुरंत ही, हो जाए तो मुझे बताना, तुम आगे बढ़ते हैं। सस्पेंस अकाउंट बना लो जल्दी जल्दी। चलो डन, एवरीबॉडी डन डन। इसको इसको चैप्टर इंडेक्स में लिखेंगे, एडवांस एडवांस में रेक्टिफिकेशन टू साइडेड एरर सस्पेंस अकाउंट बैलेंस गिवन इन क्वेश्चन। पहली चाय कब पी थी, किसको मालूम कब पी थी भाई, किसको याद होगा पहली चाय कब पी थी।
यस, टैली हो गया सस्पेंस अकाउंट, परफेक्ट, डन, वेरी गुड, एवरीबॉडी डन। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 6, 6 पर आओ। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रेडेड एज सेल ऑफ गुड्स। चलो सस्पेंस अकाउंट बन गया, वर्किंग नोट बनाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 का। इलस्ट्रेशन 6 का वर्किंग नोट बनाओ। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, बनाओ जल्दी। बनाओ इसका वर्किंग नोट फटाफट। अमोल भंबानी, आप पॉज कर लो, ड्रिंक ले लो, उसके बाद फिर से प्ले कर देना। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रेड एज सेल ऑफ गुड्स। आ जाओ पार्टी डेबिट टू सेल होना चाहिए, हुआ क्या? टू फर्नीचर होना चाहिए, हुआ क्या? पार्टी डेबिट टू सेल हुआ, पलटी मार के उल्टा, सेल डेबिट टू पार्टी, पार्टी पार्टी गया, सेल डेबिट टू फर्नीचर, सिंपल खत्म। मेरे पे 6 रुपये उड़ रहे, कुछ भी आप पे स्टोरी डालना है पर मुझे मिल नहीं रहा है। हे भगवान, ये स्टोरी रे, तुम्हारा जीवन स्टोरी में जाता है यार। तुम्हारा आजकल का जीवन सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरी पे और व्हाट्सएप के स्टेटस पर ही जाता है। भगवान भगवान भगवान, अब उसके लिए अलग से जो कहाँ से मारो भाई, इतना टाइम नहीं है, सिलेबस करना है। तरुण के पास मेरा कंटेंट, हे भगवान तुम लोग क्या कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ, रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। पैसा किससे आया? राम मोहन से आया। देखो कैश टू राम मोहन, ठीक है, क्या बोला इन्होंने? क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। कैश टू श्याम सुंदर, पलटी मार के उल्टा, श्याम सुंदर डेबिट टू कैश, बराबर, कैश गया, कैश गया, क्या बच गया? श्याम सुंदर डेबिट टू राम मोहन, सिंपल। वंशी का कैश टू फर्नीचर भी चलता है और पार्टी टू फर्नीचर भी चलता है। क्यों यहाँ पे पार्टी कैश नहीं लिया मैंने, पार्टी लिया क्योंकि इन्होंने क्या किया, ट्रेडेड एज सेल ऑफ गुड्स। तो आप कैश भी ले सकते हो, पार्टी भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि पार्टी और कैश में तो इफेक्ट है नहीं। कैश भी चलेगा, पार्टी भी चलेगा बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कैश से करना चाहो तो कैश से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
गुड्स वर्थ रुपीज 100 बॉट फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेंड अनरिकॉर्डेड, गुड्स ब्रॉट नॉट रिकॉर्डेड। थर्ड, परचेज डेबिट टू मोहन नारायण, सिंपल अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस। क्लियर? नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश, रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, रिटर्न 120 फ्रॉम मुकेश, मुकेश ने हमें रिटर्न किया है, तो एंट्री क्या आएगी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू मुकेश, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मुकेश, कितना? 120 120, बराबर। बट उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनो, वॉज पोस्टेड टू हिज डेबिट, तो यहां पर सेल रिटर्न डेबिट 120, मुकेश डेबिट 120। क्लियर? ध्यान से सुनो, यहां पर सेल्स रिटर्न डेबिट 120, मुकेश डेबिट 120। अब यहां पर ध्यान से सुनो, पलटी मार के उल्टा, टू सेल्स रिटर्न 120 टू मुकेश 120, बराबर यहां तक? तो देखो, सेल रिटर्न डेबिट और सेल रिटर्न क्रेडिट गया, क्या बच गया? टू मुकेश क्रेडिट, टू मुकेश क्रेडिट, तो यहां पर आएगा सस्पेंस डेबिट 240 टू मुकेश 240। बोलो, समझा क्या? बोलो, समझ में आया क्या? वेरी गुड। यस, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट, रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, टू श्याम सुंदर मतलब ये परचेस रिटर्न है, श्याम सुंदर डेबिट टू परचेस रिटर्न 90 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 9, श्याम सुंदर डेबिट 9 टू परचेस रिटर्न 90, पलटी मार के उल्टा, परचेस रिटर्न डेबिट 90 टू श्याम सुंदर 9, बराबर। तो ये पूरा कट होगा, ये भी पूरा कट होगा, श्याम सुंदर देखो ये सिर्फ 9, ये पूरा कट हो जाएगा, यहाँ से 9 माइनस होएगा 81, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका श्याम सुंदर डेबिट 81 टू सस्पेंस 81, सिंपल सिंपल। आपसे पढ़ने पे इजी लग रहा है, अनएकेडमी वालों ने दिमाग खराब कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, अब समझ में आ रहा है ना, काफी है। आ जाओ, ये क्लियर, ये वाला भी पॉइंट। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंट 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, बोलो कितना सिंपल है, क्या होना चाहिए? ड्रॉइंग्स टू कैश, इन्होंने क्या कर दिया, रेंट टू कैश, पलटी मार के उल्टा, कैश टू रेंट, सिंपल। टू रेंट, खत्म।
हाँ, वर्किंग वर्किंग नोट के मार्क्स मिलते हैं ना भाई। परचेज रिटर्न डेबिट 90 है और क्रेडिट 99। कहाँ क्रेडिट 99 है भाई साहब, ये 90 ही है। किसने बोला 99 है? हमें दोनों साइड वाली करनी है, ऐसा नहीं है। हमको, हमने जैसा सॉल्व किया है ना पहले, हम वैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सिर्फ टू साइडेड वाली एंट्रीज है, तो भले ही इसने वन लिखा है, टू लिखा है, थ्री लिखा है, बट फोर फाइव सिक्स जब लिखा है ना, तो फोर फाइव सिक्स देखो उन्होंने यहाँ पे अलग से बाहर लिखा है। बट ये वाली चीज़ हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, ये वाली चीज़ हम जर्नल में ही लिखेंगे, ये जर्नल में ही लिखेंगे, हम अलग से नहीं लिखेंगे। हम वन टू थ्री फोर सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, याद रखना। चांस है नहीं, समझ में आया क्या बेटे? आ जाओ नेक्स्ट, ड्राइंग वाला हो गया। पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। पेमेंट टू मोहम्मद सादिक 215। एक काम करता हूँ, सादिक टू कैश, सादिक टू कैश, कितने का पेमेंट किया सादिक को? 215। बराबर। अब क्या बोलता है वो, क्रेडिट एज 125, पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। तो देखो यहाँ पे टू कैश 215 बराबर है, पोस्टेड टू हिज क्रेडिट टू सादिक एज 125। तो यहां पर देखो, कैश डेबिट 215, सादिक डेबिट 125। तभी ध्यान से समझो, कैश क्रेडिट कैश डेबिट गया, बट सादिक को टोटल डेबिट जाना चाहिए कितना? 10, 2, 1, 3, 4, 4। सादिक डेबिट 440 टू सस्पेंस, 440, 440। क्लियर? एक मिनट है, मेरे से गलती हो गई शायद। टोटल लेने में 5 और 5 10, 2 3 4, 2 और 1 3। अच्छा, ये 340 है, 440 नहीं, 340, 340। देखो यहाँ तक सही है ना, इज इट क्लियर? डन, एवरीबडी डन टिल हियर? आ जाओ नेक्स्ट। सेल बुक एडेड 900 शॉर्ट, भाई इसका तो सीधा सीधा एंट्री कर दो, सस्पेंस टू सेल 900, सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल 900, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल 900, विषय क्लोज। लास्ट वाला, टोटल बिल रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। बिल रिसीवेबल में बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। बिल रिसीवेबल 1500 टू सस्पेंस 1500, एज सिंपल एज दैट। खत्म। ओ भाई साहब, मौर्या अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2020 वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स दिल्ली।
यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड शो द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाई दी एरर्स। ट्रायल बैलेंस पे कैसा इफेक्ट आएगा वो बताना है। वन साइडेड एरर आपको क्वेश्चन आएंगे ही नहीं एग्जाम में, बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में, याद रखना है हमें। आप अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखोगे तो आपको वहां पे क्लियरली दिख जाएगा, क्लियरली आपको वहां पर दिखेगा कि मेजोरिटी क्वेश्चंस में उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि बिफोर ट्रायल बैलेंस है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, जो भी है। बोलो क्लियर यहां तक? अब इसका जो इफेक्ट है ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट क्या आएगा उसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग एंट्रीज देखूंगा कि डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है या क्रेडिट छोटा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर समझो, रॉन्ग एंट्री की बात करो, इसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं है, इसका भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं है, इसका इसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा। देखो इसका आएगा क्योंकि ये दोनों डेबिट है, ये दोनों डेबिट है। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट अगर आपको मैं बताऊँ तो इसका इफेक्ट रहेगा डेबिट मोर देन क्रेडिट बाय 240, डेबिट मोर देन क्रेडिट बाय 240। नशे करके काम करते हैं, सही बात है। यहां पर देखो डेबिट, अगेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो यहां पर आई विल से क्रेडिट विल बी मोर देन डेबिट बाय ₹81। ठीक है, इसको लिखने का तरीका कल मैं बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ समझा रहा हूं आपको, हमको सिर्फ रॉन्ग एंट्री देखनी है कि डेबिट जा रहा है क्रेडिट जा रहा है नहीं जा रहा है। क्लियर है तक? अगेन यहां पर देखो सादिक वाली एंट्री, यहां पर क्रेडिट विल बी इन एक्सेस ऑफ डेबिट बाय ₹340। क्लियर है तक? यहां पर अगर हम समझेंगे, देखो यहां पर क्वेश्चन में ही क्लियरली बोला है सेल 900 शॉर्ट, यानी कि क्रेडिट शॉर्ट है, क्रेडिट शॉर्ट है यहां पर। तो यहां पर क्या होगा, डेबिट विल बी इन एक्सेस ऑफ क्रेडिट बाय 900, क्योंकि सेल कम है, सेल कम है तो क्रेडिट कम है। हाँ, और ये वाली एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट विल बी मोर देन डेबिट बाय 1500, क्योंकि बिल रिसीवेबल एसेट है, एसेट में डेबिट बैलेंस है, आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया, डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया तो डेबिट कम ही होगा ना भाई साहब, तो डेबिट 1500 से कम है, एज सिंपल एज दैट। बोलो ये समझ में आया क्या, ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट क्या है? आप क्रॉस चेक कर लेना मेन सॉल्यूशन के साथ। बट ऑब्वियस एक्स्ट्रा चार्जेस के तो लगाते हैं अपन। एवरीबडी डन टिल हियर? एवरीबडी डन टिल हियर? आज का आपके होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6, उसके ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट जो है कल एक बार फिर से डिस्कस करेंगे और फिर अगले सम पे चलेंगे। ठीक है, चलो टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। कल ये चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पढ़नी है भाई साहब, ऐसे क्या कर रहे हो आप? देखो तो ये कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, इसके बाद आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी तो है, ये थोड़ी ना छोड़ूंगा मैं, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सोल्यूशन आ गया भाई, ये रहे 1, 2, 3, 4, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, यस, ओके, सो गाइस विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन एवरीवन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। बाय 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 बाय।